भूखी रानी को भरपेट खाना खिलाया पवन सिंह ने। जी हाँ, हम हकीकत में कह रहे हैं। वैसे इस बात की जानकारी खुद रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये फोटो स्टेटस पर रख कर दी, जहाँ पर उन्होंने खुद लिखा कि जब मुझे भूख लगती है तो फोनों को इस बात का ध्यान रहता है। यानी कि जब पवन सिंह उनके साथ रहते हैं और उन्हें जब भी भूख लगती है तो पवन सिंह उनके लिए खाने का इंतज़ाम तुरंत कर देते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये फ़ोटो कब की है और ये पुराने फ़ोटो को रानी ने अब क्यों अपडेट किया है। तो आपको बता दें, ये फ़ोटो आपको तो याद, दीपक सिंह के भतीजे की शादी थी, वहाँ पर पवन सिंह और पवन सिंह के साथ कई भोजपुरिया दिग्गज स्टार गए हुए थे और वहीं पर रानी चटर्जी भी गई हुई थी। वैसे वहाँ पर अंजना सिंह, निधि झा, पूनम दुबे, सिंगर प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली जैसे कई महारथी गए हुए थे। लेकिन भाई, पवन और रानी को अपने प्यार की पींगे बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। वैसे भी जब पुराने प्यार एक साथ हों तो भाई वो अटेंशन किसे देंगे। जैसे ही रानी चटर्जी को वहाँ भूख लगी, उन्होंने तुरंत पवन सिंह से कहा कि उन्हें काफ़ी देर से भूख लगी हुई है। तब तुरंत पवन सिंह ने नाश्ते की एक बकेट मंगाई और रानी चटर्जी के हाथों में दे दी। कहा, जितनी भी भूख लगी है खा लो। और ये सारा माजरा कोई अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब आप तो जानते हैं कि रानी चटर्जी अपने एक एक मूवमेंट की पिक्चर्स को कितने तवज्जो देती हैं। भाई, इस मूवमेंट की पिक्चर्स को वो कैसे तवज्जो नहीं देती, जहां पवन सिंह खुद उनके लिए खाना लेकर आ रहे हैं और उनको इतनी अटेंशन दे रहे हैं। भाई, वहाँ और भी तो कई अभिनेत्रियाँ थीं, उन्हें पवन सिंह ने इतनी अटेंशन नहीं दी जितनी उन्होंने रानी चटर्जी को दी। अब ये सारी अटेंशन जब रानी को मिली, अब जब इतनी सारी अटेंशन रानी को मिली तो रानी ने इस पिक्चर्स को पोस्ट कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि भाई, ये कहानी तो पुरानी है, लेकिन रानी ने इस पिक्चर्स को अपलोड क्यों किया अब? तो आपको बता दें कि इन दिनों रानी और अक्षरा का जो वार चल रहा है, इस वॉर में रानी ने इस पिक्चर्स के जरिए नमक और मिर्ची का काम किया है। वैसे किसे बुरा नहीं लगेगा कि भाई, पुरानी गर्लफ्रेंड यानी एक्स गर्लफ्रेंड रानी चटर्जी पवन सिंह के इतनी करीब हो गई, जबकि अक्षरा सिंह ने तो पवन सिंह का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, ले देकर उनके साथ बड़ा बुरा हुआ। अब किसी भी माध्यम से वो अक्षरा सिंह को कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है नीचा। और तो और, आजकल वो पवन सिंह को पोनू कह के बुला रही है और अपने हर एक पिक्चर्स में वो पोनू करके ऐड भी करती हैं। अगर उनसे वो वीडियो कॉलिंग भी करेंगी तो भी उन्हें पोनू करके ही ऐड करेंगी। और लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ रानी दिखावे के लिए कर रही हैं। अब भाई, रानी दिखावे के लिए करे या ऐसे ही करे, भाई चाहे जैसे करे, उन्हें पवन सिंह की अटेंशन तो मिल ही रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।